तो ये हमारे एडवांस एक्सेल की ये पहली क्लास है, बेसिक एक्सेल नहीं, ये एडवांस एक्सेल की हमारी पहली क्लास है और हम बात कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग। देखिए डेटा हैंडलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब तक डेटा को हैंडल करना नहीं सीखेंगे तब तक थोड़ा दिक्कत होगा। और डेटा में नॉर्मल डेटा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लार्ज डेटाबेस की। जी हाँ लार्ज डेटाबेस। अभी देखिए 11,000 समथिंग रो का डेटा है, और भी बड़ा डेटा हो सकता है लेकिन फिलहाल इतना डेटा लिया है। अब इसको हम बात करेंगे हैंडलिंग, मतलब कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा अगर आप यूज कर रहे हैं कोई, उस पर कुछ लगाना चाहते हैं, तो पहले चेक कर लीजिए कि डेटा के अंदर कोई ब्लैंक रो है या नहीं। जैसे तो आप पिवट लगा रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं, शॉर्टली लगा रहे हैं, आपने अगर चेक कर लिया है कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो नहीं है, इसका मतलब है कि आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ ब्लैंक है और आपने मान लीजिए शॉर्ट लगा दिया या फिल्टर लगा दिया, तो ये कंट्रोल ए मतलब कि करेंट रीजन के अकॉर्डिंग चलता है, और जो ब्लैंक रो से या ब्लैंक कॉलम से पहले वाला डेटा को लेगा, उसके बाद या नीचे डेटा को नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए एक बार डेटा को चेक कर ले कि ब्लैंक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे ब्लैंक है या नहीं है? तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में कर्सर रखे डेटा को और कंट्रोल के साथ डाउन एरो, डाउन एरो प्रेस करो। डेटा सबसे कर्सर सबसे लास्ट में आ गया, इसका मतलब है कि कोई ब्लैंक रो नहीं है। अगर बीच में कहीं रुक गया, जैसे कि यहाँ पे रुक गया, तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो इस सेल में ब्लैंक होगा या पूरी की पूरी रो ब्लैंक होगी। सेल ब्लैंक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरी की पूरी जब रो ब्लैंक है तो फर्क पड़ता है। इसलिए इसका ध्यान जरूर करें कि एक बार डेटा पे कुछ करने से पहले उसकी ब्लैंक को चेक करें। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेटा शॉर्टिंग की। डेटा शॉर्टिंग, अब शॉर्ट क्यों किया जाता है डेटा को? डेटा को शॉर्ट किया जाता है किसी एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। सपोज दैट कि आपके टीम ने एक एक रोस्टर लगाया है, या फिर आपके कंपनी ने एक रोस्टर लगाया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई सिक्वेंसली है तो आप उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे आईडी नंबर हो गया, आईडी नंबर 1 2 3 है तो, लेकिन आईडी नंबर ज्यादातर जो इम्प्लॉय आईडी वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो अगर सीक्वेंस में नहीं है तो क्या करना होगा कि आपको तब तक लिस्ट देखना होगा जब तक कि आपका नाम मिल नहीं जाता। लेकिन अगर किसी करेक्टर के हिसाब से या किसी किसी चीज के हिसाब से अगर है, तो आप जो है जैसे आपके नाम के अकॉर्डिंग है, अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग है, तो आपका नाम अगर मान लीजिए शुभम है, तो आप एस वाले सेक्शन में डायरेक्ट जाके देखेंगे कि एस यू से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको पूरी लिस्ट देखने की जरूरत नहीं। अब जैसे यहाँ ये तो हो गए नॉर्मल चीजें, प्रिंटआउट सिस्टम हो गया। दूसरा चीज होता है कि और भी चीजें, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी है, मुझे अगर टॉप 5 चाहिए, तो कुछ नहीं क्वांटिटी पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे Z2A, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ से 5 को कॉपी करके ले जाए टॉप 5 बात यार, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो नॉ इसमें जब शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मुझे मंथ के हिसाब से शॉर्ट करना, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है जैसे मैं A to Z किया, तो देखेंगे अप्रैल पहले आया, अप्रैल के बाद जो है दिसंबर आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट शॉर्ट होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। तो उस केस में आपको कस्टम शॉर्ट पे जाना होगा। कस्टम शॉर्ट जहां A to Z सिलेक्टेड है उसी पे जाके कस्टम लिस्ट, और यहां से आप Jan/Feb का लिस्ट ले लें एंड ओके करें, एंड ओके करें, ये आपका शॉर्ट हो जाए। लेकिन किसी कुछ नाम है या कुछ ऐसा है जो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाना चाहते हो, उस समय आप कस्टम शॉर्ट में यहाँ कस्टम लिस्ट में जाके न्यू लिस्ट में अपनी लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि मैंने नेम की लिस्ट बना रखी है, अगर नेम बाय डेटा होगा, अगर मैंने सिलेक्ट इसको कर लिया, तो पहले पूजा आएगा, फिर मोहन का डेटा आएगा, फिर कविता का डेटा आएगा, अल्फाबेटिक नहीं जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है आपको लोगों की नहीं सर? जी हाँ सर, समझ में आ रहा है। इसमें आता है केस सेंसिटिव। जैसे मान लीजिए कि आपने बड़े या छोटे लेटर में कोई लिखा हुआ है, तो अब इस पे क्लिक ना करेंगे तो बड़ा छोटा मिक्सअप आएगा, लेकिन जब इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका बड़ा लेटर जो है पहले आएगा,
छोटा लेटर नीचे आएगा या फिर बड़ा छोटा लेटर नीचे आएगा, तो वो सेपरेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि मेरे पास ये डेटा दिख रहा है, मुझे क्या करना है कि हर एक कॉलम के बाद यहाँ पे परसेंटेज का सैंपल और यहाँ डिवाइड बाय 70 करना है, नीचे तक ड्रैग करना है और मुझे इसको परसेंटेज अप्लाई करना है, ड्रैग नीचे तक ड्रैग कर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इसको एक एक किया और अभी तो फिलहाल मेरे पास 12 कॉलम है, लेकिन हो सकते हैं कॉलम 100 150 हो। इसमें दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना, और दूसरा सब में जाके डिवाइड का फॉर्मूला लगाना। तो चलिए दोनों को वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना। इसके लिए हम एक रो इंसर्ट करते हैं ऊपर में और यहाँ पे 1 2 करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं आगे की तरफ, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हर नंबर 2 बार रिपीटेड है, लेकिन हमने तो सॉर्ट की बात होती है, तो सॉर्ट तो हम टॉप टू डाउन करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट थोड़ी होता है। जी हाँ, जब ऑफकोर्स होता है। अब यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में आए और यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस ऑप्शन पे जाएं और यहाँ देखिए दिखेगा सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उससे पहले ध्यान रखिएगा, यहां ये जो आपके सामने जो हेडिंग दिख रहा है ना, हेडिंग ये हेडिंग जो है दोबारा मैंने डेटा में सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके ठीक है, क्योंकि तो इसको हेडिंग ये जो हेडिंग है आपका, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो शॉर्ट का पार्ट हो जाएगा, उसको शॉर्ट करके आगे की तरफ कर देगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हेडिंग नहीं है, माई डेटा हैज ए हेडर, यहाँ देखिए डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब यहां मैं रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग, रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर दे। शॉर्ट करते ही देखिए दोनों 1 इकट्ठा हो गया और यहां पे एक ब्लैंक और एक डेटा है। लेकिन एक छोटी सी गलती हमने कर दी, हेडिंग नहीं डाला, वरना फिर मैनुअली हेडिंग डालना मुश्किल हो जाएगा सर। इसलिए जो हेडिंग है आपका वो नीचे हेडिंग डाल दो। ओके सर, और फिर मैं यहाँ कस्टम शॉर्ट में आया और यहाँ पे सेलेक्ट किया रो नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस लेफ्ट टू राइट, उसके बाद यहाँ रो 1 2 3, रो 1 एंड ओके। उसके बाद मैं इस रो को कर देता हूँ डिलीट। तो एक जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम ऐड करना, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब दूसरा इसमें आता है कि इसके अंदर ये करना, फॉर्मूला लगाना, डिवाइड बाय 100 करके परसेंटेज का कॉलम लगाना, वो कैसे करें, क्योंकि ये 1 बाय 1 करना होगा, तो उसके लिए भी सिस्टम है। आप क्या करें, पूरे डेटा को पहले कर लें चेक, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसी में आपके सामने फाइनेंस सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है। अब इस गो टू स्पेशल में जब आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ब्लैंक। तो गो टू स्पेशल क्या करता है, सिलेक्टेड डेटा को सिलेक्टेड एरिया में से कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट को, डेटा को, सेल को सिलेक्ट करता है, जैसे कंटेन करना है या फॉर्मूला करना है या करेंट रीजन करना है, करेंट एरे करना है। तो
मैंने यहां पे ले लिया ब्लैंक्स कि मुझे ब्लैंक सिलेक्ट करना है, देन ओके हो गया। अब बोले सर ब्लैंक करना है तो कैसे होगा, तो सिलेक्ट हो गया, ये डेटा चाहिए तो मैं यहां एक फॉर्मूला लगाऊंगा और सिलेक्ट करके डिवाइड बाय 70 जो भी टारगेट है, देखिए यहां पे नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करूंगा क्योंकि अगर मैं नॉर्मल एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, सिर्फ एक सेल में एंट्री होगी। मैं यहां पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर। क्या होता है सर कि एक सिलेक्टेड एरिया, एक एरिया आपने सिलेक्ट किया तो इसमें मैं टाइप करता हूं, टाइप करके नॉर्मल एंटर मारूंगा तो नीचे सेल आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल एंटर मारा तो जो टाइप कर रहा हूं चाहे वो फॉर्मूला या वैल्यू हो वो क्या होगा, पूरे के पूरे सिलेक्टेड एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्मूला जब कॉपी पेस्ट हुआ तो अपना सेल इंक्रीज किया और आपके एक एंटर पे देखिए पूरा रिपोर्ट आपका बन के तैयार हो गया, जो घंटों का काम था वो तो कुछ मिनट में आप यहाँ पे कर लिए, समझ गए आप लोग, कोई डाउट इसमें जी? मोशिन जी, मुकुंद जी, पुष्पेंद्र जी, किस तरह का डाउट? नो सर। तो क्या होता है कि ऑफिस में जहां हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हर चीज का सॉल्यूशन फॉर्मूला नहीं होता है, हर चीज का सॉल्यूशन वीवीए नहीं होता है, हम इस तरह की छोटे मोटे ट्रिक से भी अपनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके अब हम बात करते हैं अपना डेटा हैंडलिंग के पार्ट में फिल्टर का, हालांकि फिल्टर आप लोग इस्तेमाल करते हैं फिर भी हम आपको फिल्टर एक बार समझा देते हैं। फिल्टर का मतलब होता है कि एक बड़े से डेटा में से एक पर्टिकुलर पार्ट के डेटा को लेना, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर इसका चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, हमने क्लिक किया और प्रोडक्ट यहाँ पे हाजिर है, तो मेरा डेटा देखिए सिर्फ PRC01 का डेटा दिख रहा है, बाकी का डेटा ये हाइड हो चुका है, और जो ब्लू कलर का रो दिख रहे हैं इससे पता चलता है कि सारे रो हाइड हो चुके हैं, ये फिल्टर लगा इसमें रो हाइड है। तो फिल्टर का इस्तेमाल हम इसी चीज के लिए करते हैं। फिल्टर लगाने का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, आप फिल्टर पर जब कर्सर रखेंगे तो शॉर्टकट दिख जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ पे हम तीन तरह के फिल्टर देखते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर एंड डेट फिल्टर। तो यहाँ हमारे पास मान लीजिए टेक्स्ट फिल्टर है, तो जो यहाँ पे हमने यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो जिस पे क्लिक है वो आपका विजुअल होगा, जिस पे अनक्लिक है वो विजुअल नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है मैं नहीं ढूंढ पा रहा, तो इक्वल टू मैं डाल दूंगा या डज नॉट इक्वल टू डाल दूंगा, या बिगेन विथ कि मैं सबसे स्टार्टिंग में कुछ होना चाहिए, एंड विथ मैं बोलता हूँ एंड विथ में 03 होगा, यहाँ पे 03 कर दिया तो अब 03 वाला डेटा यहाँ पे दिखेगा, बाकी डेटा नहीं दिखेगा। तो इस तरह के कंडीशंस लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फिल्टर। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे नंबर फिल्टर। तो नंबर फिल्टर है, सेम नंबर्स हैं, इसको क्लिक कीजिए चेक होगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर फिल्टर होता है, इसमें इक्वल टू पर्टिकुलर नंबर, जैसे मान लीजिए 41 को मुझे शो करना है, मैं 41 क्लिक किया तो जितने 41 वाले क्वांटिटी है वो शो, एक एक से ज़्यादा पे क्लिक करेंगे तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे कंडीशंस होते हैं कि इक्वल डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, बिटवीन या टॉप फाइव, मैंने यहाँ पे टॉप 10 या टॉप 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड ओके करूंगा तो ये हमारा टॉप 5 डेटा है। अब बोले टॉप 5 में इतना सारा डेटा क्यों आया, तो बात यही है कि 90 जो है टॉपर्स में, और 90 जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट हो गया ना, 90 ही इतने बार आ चुका है, ऐसा नहीं टॉप 5 आप करोगे तो 90, 99, 87, 88 इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वो रिपीटेड है तो भी सब सेलेक्ट करेगा ना। जैसे एक स्कूल में आप मान लीजिए कि आपको टॉप 5 निकालना है जिसमें से 3 बच्चों ने 95 नंबर लाया है, तो आप किसी एक बच्चे का नाम थोड़ी टॉप पर रखेंगे, तीनों का नाम आएगा ना जी। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं टॉप। फिर आता है अबव एवरेज, जो सिलेक्टेड कॉलम है इसका एक एवरेज है जो कि आप यहां देख सकते हैं 49, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो अबव एवरेज जो है वो 49 से बड़ा सेलेक्ट हो जाएगा या 49 से छोटा सेलेक्ट हो जाएगा।
कस्टम पे जाते हैं तो सारी कंडीशंस आपको एक साथ मिलेगी, आप सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एंड और का मेथड होता है, जैसे कि मैंने एक, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि ग्रेटर देन लगाया, इज ग्रेटर देन 50, और मैंने यहाँ पे कर दिया इज लेस देन 80, तो अब क्या होगा कि 50 और 80 के बीच की वैल्यू सिलेक्ट होगा, 50 और 80 के बीच की वैल्यू, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है एंड। एंड क्या करेगा, एंड जो है आपका 50 से ऊपर और 80 से बीच दोनों कंडीशन को चेक करेगा, देन आपका डेटा देगा। अगर मैंने इसे और क्लिक कर लिया तो ये क्या होगा कि 80 से छोटा भी दिखेगा और 50 से बड़ा भी दिखेगा, ठीक है। इस तरह की मेथड हम इस्तेमाल करते हैं कि आपको अगर दो कंडीशंस लगाने हो तो एंड और की मेथड से दो कंडीशन आप लगा सकते हैं। आगे की फॉर्मूले की क्लास में आप देखेंगे कि एंड और फॉर्मूला का और क्या रोल है। राइट सर, तो सर आज के लिए इतना ही। सर बोलिए सर, एक क्वेश्चन है, पूछिए। अगर रो ब्लैंक हुई तो फिल्टर तो लगेगा नहीं, नहीं अगर लगेगा। बीच की रो रो नहीं, ब्लैंक रो हुई अगर तो पूरी की पूरी रो ब्लैंक पूरी है, रो, इस तरह से पूरी रो ब्लैंक है ना, तो फिल्टर नहीं जी लगेगा। फिल्टर लगेगा लेकिन आपको डेटा को सिलेक्ट करके लगाना। आपने सही सुना नहीं था, मैंने बोला कि अगर आपके डेटा ब्लैंक है तो या ब्लैंक डिलीट कर दे या डेटा को सिलेक्ट करे, तब फिल्टर या शॉर्ट लगे, ठीक है। अगर आपने ठीक है, सिलेक्ट अगर नहीं किया तो जो ब्लैंक है उससे ऊपर ही लग जाएगा, उसके नीचे वाला डेटा को कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एक्सेल में बहुत सारी जगह ब्लैंक है, मैं कैसे पता करूंगा? तो पता करने का सेम यानी डिलीट करना है मैं, डिलीट करने का ऑप्शन बताएगा आपको, आप शॉर्ट कर लें। तो वो तो एक एक करना, अगर 10 जगह ब्लैंक तो है। नहीं, आप पूरा डेटा नहीं समझा, आपको पूरा अच्छा सीट को सिलेक्ट करें, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ ठीक है में ना। आ गया। और कुछ नहीं सर, तो रिकॉर्डिंग्स है, एक फाइल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कल जो है हम पिवट टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, ये आज से ही शुरू किए क्लास, मतलब एडवांस एक्सेल आज से ही हुआ है। अच्छा, बेसिक पहले हो चुका है, बेसिक छोटी मोटी चीजें हैं, आपको सैटरडे संडे में कवर कर दूंगा वो चीज, ठीक है सर। कलर उसमें मोस्टली से आपको आता होगा ना कि कलर कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, फिल्टर कैसे लगा, ये शॉर्ट कंडीशन वर्डिंग कैसे लगाना है, इस चीज तो मोस्टली आता ही होगी। कुछ कुछ ट्रिक्स है जो कि वीकेंड्स में आपकी क्या होता है कि हर एक सेक्शन के बाद हम लोग लेते हैं रिविजन क्लास लेते हैं, जी तो हाँ। सैटरडे संडे के अंदर रिविजन क्लास करेंगे तो उसमें हम कवर कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, चलिए, थैंक्स, ओके ओके, थैंक सर। ये शीट कब भेजेंगे आप, मतलब मैं भेज दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप, ठीक है सर, थैंक्स।